खबर डोंगरगढ़ से बता दें कि नवरात्रि के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में विराजमान माता बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माता रानी के दरबार में माथा टेक कर प्रदेश की खुशहाली और विकास की कामना की। इस दौरान उनके साथ विधायक भुवनेश्वर बघेल, युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार और विधायक देवेंद्र यादव समेत आला अधिकारी व कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि 15 सालों से उनका पूरा परिवार चिट फंड कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ था। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। माता रानी कृपा से छत्तीसगढ़ में इस साल धन धान्य से परिपूर्ण है। अच्छी बारिश भी हुई है, फसल भी बहुत ही अच्छा है और किसान सब सुखी हैं और यहाँ से सब छत्तीसगढ़ वासी सुखी भी हैं माता रानी कृपा से, यही प्रार्थना। शराबबंदी और जुआ सट्टा को लेकर रमन सिंह लगातार बयान दे रहे हैं और कांग्रेस को। रमन सिंह भी 15 साल मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने कहा था कि भले सरकार चली जाए लेकिन शराबबंदी करके रहूंगा। सर रुकशेगा अभियान बोलने दो यार, क्वेश्चन मैं खुद गिर के मतलब हपड़ गया था पूरा। पैसा नहीं, लेबर पेमेंट के लिए पैसा नहीं, यही 8 नवंबर की बात है। मैं तो ही राजनांदगांव आया था, यही इस कार्यक्रम में गए थे हम लोग, कौड़ी कसम है। और यहाँ से गए टेलीविजन खोल के देखे थे, नोटबंदी 3 बार मना ना। तो ये सरोज पांडे जी असल में क्या है कि अब वो सीधा रमन सिंह के विरोध नहीं कर सकते, उसकी आलोचना नहीं कर रहे, तो मेरे महानी उसकी आलोचना कर रहे, बहुत घटिया किस्म के सड़क बनवाए थे। पत्र के वादे को नकार रही है, अगर वो घोषणा में शामिल नहीं किया है तो सार्वजनिक से माफी मांगे करके बोला है। अच्छा एक बात बताओ, 15-3 बार वो घोषणा पत्र में जो बात की है और नहीं कर पाए, कितने बार माफी मांगे रमन सिंह जी? पहले उसका कर ले, मेरा कार्यकाल बचा है 100 साल है ना, और वो 15 साल में जो नहीं कर पाया उसके लिए कितने बार माफी मांगे रमन सिंह, पहले उसे पूछ लीजिए। डोंगरगढ़ से दिनेश निषाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर गंडई से बता दे कि पुलिस अधीक्षक महोदया खैरागढ़ छुई खदान गड़ई सुश्री शर्मा द्वारा गंडई नगर में स्थित प्राचीन कालीन मां गंगई मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से मुलाकात कर समस्याओं के संबंध में चर्चा कर यथाशीघ्र समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन देते हुए फल एवं प्रसाद का वितरण किया एवं ड्यूटी पर तैनात थाने के अधिकारी कर्मचारियों से रूबरू होते हुए क्षेत्र में विराजित दुर्गा प्रतिमाओं एवं कार्यक्रम व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।